हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ट्रैवलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है, खासकर ट्रेनों पर। आप एक ट्रेन की खिड़की से अलग अलग जगह को देख सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग ट्रेन जर्नी पसंद करते हैं। अगर आप अक्सर ट्रेन जर्नी करते हैं तो आपने इंडियन रेलवे की यानी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में जर्नी की है। और खासकर जब आप राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। सभी ट्रेनों के बीच से ये हाई स्पीड ट्रेन पैसेंजर्स को बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे राजधानी एक्सप्रेस के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप शायद नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर वन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राजधानी यानी कैपिटल। राजधानी एक्सप्रेस सभी स्टेट्स की कैपिटल को और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को इंडिया की कैपिटल दिल्ली से जोड़ती है। फैक्ट नंबर टू, शुरुआत में जब इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था तब बहुत लोग इस ट्रेन के अगेंस्ट थे। 1969 में कई लोगों ने इस ट्रेन का विरोध भी किया, जिसमें इंडियन रेलवे के चेयरमैन भी शामिल थे। लेकिन जब इस ट्रेन की शुरुआत हुई तब ये एक सक्सेसफुल ट्रेन बनकर सामने आई और सभी ओपोनेंट को गलत साबित कर दिया। अभी भी इस ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत से लोगों का सपना बना हुआ है, क्योंकि ये वजह ट्रेन की स्पीड, लग्जरी और कम्फर्ट है। फैक्ट नंबर थ्री, राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट ट्रायल 1967 में हावड़ा और दिल्ली के बीच किया गया था, और पहली ट्रेन 3 मार्च 1969 को हावड़ा से दिल्ली के लिए चली थी। उस वक्त राजधानी एक्सप्रेस के लिए परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। फैक्ट नंबर फोर, राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की पहली फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन थी। इस ट्रेन की शुरुआत से ही इसमें कोई नॉन एसी कोच नहीं लगाया जाता है। फैक्ट नंबर फाइव, राजधानी एक्सप्रेस इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें एसी फर्स्ट क्लास में 4 बर्थ वाला कैबिन और 2 बर्थ वाला कूप कैबिन लगाया गया, जो लॉकेबल था, और साथ ही एसी सेकंड क्लास और एसी थर्ड क्लास भी लगाया गया। फैक्ट नंबर सिक्स, वैसे तो बहुत सी ट्रेनों में खाना प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हर पैसेंजर को जर्नी के दौरान ब्रेकफास्ट, लंच, टी और डिनर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी एक्सप्रेस से ही शुरू हुई। फैक्ट नंबर सेवन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स को वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन अगर आपको ट्रेन के अंदर वाईफाई मिल जाए तो क्या होगा? फिलहाल अभी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी इंडियन रेलवे की इकलौती राजधानी है जिसमें वाईफाई की फैसिलिटी है। फैक्ट नंबर एट, ये पहली ट्रेन थी जो अपने स्टार्टिंग के टाइम पर पूरे साउथ एशिया में 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड में चलती थी, और साउथ एशिया कंट्रीज़ में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं। फैक्ट नंबर नाइन, फिलहाल अभी राजधानी एक्सप्रेस इंडिया की थर्ड फास्टेस्ट ट्रेन है। मुंबई राजधानी की 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 90 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलाने की परमिशन है। फैक्ट नंबर 10, त्रिवेंद्रम राजधानी कोटा जंक्शन से वडोदरा जंक्शन के बीच सबसे लंबा नॉन स्टॉप रन का रिकॉर्ड दर्ज है। ये राजधानी एक्सप्रेस 527 किलोमीटर बिना रुके चलती है। फैक्ट नंबर 11, हर साल मानसून के सीज़न में त्रिवेंद्रम राजधानी के टाइम टेबल में चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये ट्रेन कोंकण रूट से होकर निकलती है। फैक्ट नंबर 12, जम्मू तवी राजधानी सबसे छोटे रूट की राजधानी ट्रेन है, जो सिर्फ 582 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जबकि त्रिवेंद्रम राजधानी सबसे लॉन्गेस्ट रूट की राजधानी ट्रेन है, जो 3131 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फैक्ट नंबर 13, इंडिया की पहली ट्रेन जिसके दूसरी ट्रेनों के कंपैरिजन में बहुत कम स्टॉपेज हैं, इसलिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ये बहुत कम टाइम लेती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।